जय शंभु भाई। सामान हम लोग जा रहे हैं आज फूल चौकी। तो बहुत खुश है यार। रास्ता होकर से हम लोग आ गए अभी इधर। फाइनली फूल चौकी का एंट्री गेट में पुग चुके हैं। लोकेशन इधर रहेगा और पिकनिक का डेटिंग स्पॉट सब इधर है। ऐसा व्यू आता है, एक दो फोटो खींचना पड़ेगा। खतरा खतरा खतरा। वाओ, ये नजारा मिल गया था इसीलिए इधर थोड़ा देर बैठ लिए। हिरेन गुफा वाला गाची। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के गोदाम में। तो आज हम आ गए हैं अपने फ्लैट में। अभी इधर रेडी सेडी हो गए और आज जाना है। बहुत दिन बाद प्लान बना है घूमने के लिए। आज संदीप सबके साथ में जाना है घूमने के लिए। अभी कहाँ पर घूमना है, कौन कौन जा रहा है, किसके साथ जाना है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बाकी उधर समी ने कॉल किया और बोला और मैंने ओके कर दिया। अब इधर से रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं इधर से। अब चलते हैं, अपना पसंद की रेडी है। इधर से सीधा कॉलेज जाना है। इधर संदीप लोग सब हम लोग इधर जा रहे हैं। तीन लोग, मैं, समी और धीराज जाने के लिए फुल रेडी। इधर से तो निकलते हैं और बाकी रास्ता में देखिए क्या क्या होता है और पैसे पूछते हैं। जा रहे थे, अब गोदावरी में लगभग पुग गए हैं। इधर ले रहे हैं सामान, ऊपर डांडा के ऊपर बैठ के अभी पिकनिक मनाना पड़ेगा। और बाकी रास्ता भी देखिए, कंटीन मिलेगा तो अभी कंटीन नया दे सकते हैं। तो बाकी इधर सामान लेकर चलते हैं। दुई जना ली रे और देख रहा है क्या क्या लेना है। क्या क्या लिया? पुग्छ होला हो, मेरो ब्लग बनाइदिन्छ है केटा हो। तो बाकी इधर गाइस देख सकते हैं हम लोग गोदावरी में इंटर कर चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं आज फूल चौकी। ये गोदावरी का टॉप का एक डाड़ा में पड़ता है। बाकी रास्ते में दिखाते हैं। इधर अपना टोकन पास, इधर से 10 रुपया का एक टोकन लेना पड़ेगा और उसके बाद इधर से कंटिन्यूस राइड होगा अपना। बाकी भाई ये रास्ते में आ गए हैं। ये रास्ता कुछ अलग लग रहा है, एकदम ही शांत और अनवांटेड क्या चीज का साउंड आ रहा है। थोड़ा सा डर अपना जैसा भाई, लेकिन मुझे डर नहीं लगता क्योंकि इधर के एनवायरमेंट कैसा है वो आप लोग सुना दिए। बाकी इधर का व्यू भी देखिए, एकदम पीस वाला व्यू है, सुकून, फुल नेचर भाई। नेचर का मजा लिया हो तो भाई ऐसे ऐसे ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि हमको यही अच्छा लगता है। जो आदमी को जो अच्छा लगता है वही जाता है इसीलिए। तो बाकी दिखाते हैं कैसा कैसा रास्ते में रोड शोड पड़ता है और क्या चीज से झेल कर या बहुत अच्छा से चले जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, समी लोग अभी पीछे हैं। बाकी भाई ये रोड तो बहुत ऑफ रोडिंग है यार, एक घंटा से ऑफ रोडिंग में चला रहे हैं बाइक। पूरा घर मुकर कैसा धुआं निकल रहा है यार। हम लोग इधर आ गए फूल चौकी के रास्ते में, अभी राइड कर रहे हैं। और बाकी भाई इधर से व्यू देखिए, इधर से व्यू आप लोगों को चेकआउट कराते हैं। अब इधर से 3 किलोमीटर और राइड करना पड़ेगा तो फूल चौकी का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आएगा उधर। बाकी भाई दे इसे इधर आप फोटो शोटो भी थोड़ा खींच लिए। अब इधर से हम लोग अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ। और बाकी हमारा मोबाइल तो ऑफ हो गया समझी का 15। बाकी इधर रास्ते में रास्ता होकर से हम लोग आ गए अभी इधर। अभी फाइनल लोकेशन नहीं आया है तो चलते हैं ऊपर की तरफ, फाइनल लोकेशन की तरफ। तो ओके, तो हम लोग फाइनली फूल चौकी का एंट्री गेट में पुग चुके हैं। मैं तो आ गया हूँ, अभी संदी लोग पीछे हैं क्योंकि स्कूटर है और दो लोग हैं। मेरा वाइडिंग की वजह से मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। अब इधर से अपना नज़ारा स्टार्ट हुआ।
फुलचोकी में भी बहुत बार आया था लेकिन टॉप तक नहीं आया था, यहाँ तक नहीं आया था। आज मेरा भी ये फर्स्ट होगा फुलचोकी फुल राइड ऊपर तक। और बाकी इधर मौसम का बात करें तो ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है। और इधर देखिए आ गया अपना शेड लोग, लोग अभी ऊपर जाने का डिसाइड नहीं किए क्योंकि हमारा बसंती ने फिर से एक बार धोखा दे दिया। स्टार्ट नहीं हो रहा है, ब्लॉग बनाने के लिए रुका था अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग डिसाइड किए इधर ही बैठने के लिए। मेरा बसंती मुझे हमेशा धोखा देता है, बेवफा हो गया है अभी। उसको सुधार केंद्र में ले जाकर सुधारना पड़ेगा। तो हमारा लोकेशन इधर रहेगा, हमारा पिकनिक का डेटिंग स्पॉट सब इधर है। ड्राई पिकनिक ए ट्रेकिंग वो खैदल लोरहरु हेलमेट देखिरहा था नि। हम लोग अभी है ठाउँ के तलाश में, फिर से ठाउँ चारों ओर से खोज के फिर से चले आए यहीं पर क्योंकि यही बेटर ठाउँ लगा। उधर यार स्पेस ही नहीं है बैठने के लिए, इधर स्पेस है बैठने के लिए अच्छा से। भाई ये देखिए मैंने क्या देखा, हिरन ट्री उसके अंदर एक आदमी मजा साथ आ जाएगा यार। इधर से बहुत दूर है और ये रास्ता भी एकदम बिगड़ा हुआ है, नहीं तो जाके पास से दिखा देते। और इधर का ये जंगल और क्या झावी गाछी सब कुछ बहुत अच्छा है। और इधर हम लोगों का पिकनिक आधा एक घंटा से चल रहा था, हम लोग का इधर का पिकनिक फाइनली सक गया। पिकनिक बोले तो इधर थोड़ा चिल करने के लिए बैठे थे, चिल हो गए तीनों लोग। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, फाइनल पुलसो के अंदर ऊपर चलते हैं। अब देखते हैं ऊपर का नजारा कैसा है नहीं है, कैसा व्यू आता है, एक दो फोटो खींचना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर का नजारा। तो हम लोग फाइनल आ गए फूल चौकी में, हम लोग का बाइक स्कूटर उधर पार्क हो गया है। और इधर आए तो ये देखा नहीं लिए भाई, अच्छा से एक मिनट रोक देते हैं, पढ़ लीजिएगा और देखिए इधर का इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ करना पड़ता है क्या चीज़ नहीं, हर एक ठाउँ का एक नियम होता है इसलिए। और ये है आर्मी कैप्चर प्लेस, दैट्स व्हाई रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी फॉलोड। जाना है टॉयलेट, वो है अपना शौचालय मतलब टॉयलेट। और ये हो गया हमारा हिरो सम्धी, ऊ यता हेर्न कस्तो हिरो तले देखिरहेको छ। अनि अर्को सेकेन्ड हिरो धीराज, और मैं रॉकी राज थर्ड क्यारेक्टर नॉट हिरो म्यान। जन्म बसंती का ऊपर का मॉडल हो गया। व्यू देखने जाने के लिए हम लोग चढ़ना पड़ा सीढ़ी, और ये हो गया ऊपर का फाइनल व्यू भाई। जूता चप्पल रखने वाला था, जूता चप्पल इधर ही निकालना पड़ेगा मैन। इधर से देखिए इधर का मंदिर, जय शंभो भाई, बहुत ही पीसफुल ठाउँ है देख सकते हैं। आदमी सब अब क्या चीज मानकर बातता है नहीं बातता उतना मालूम है उतना आप लोगों को बोल देते हैं और दिखा देते हैं। बाकी इधर से ये पीछे कुछ भी नहीं है, इधर भी ये गुंबद जैसा मंदिर है। और आप लोग खुद से भी देखिए समझी, सबको जूता निकालना पड़ेगा इसीलिए नहीं आया। हमको ब्लॉक करके छुट्टी में था इसीलिए चले गए, तो जूता लगाते हैं और इधर से चलते हैं। तो बाकी इधर हम लोगों का फोटो शूट भी हो गया, दर्शन भी हो गया। और एक चीज मैंने इधर नोटिस ही नहीं किया था यार, देखो यार इधर इतना बड़ा टावर भी लगा हुआ है। क्या चीज का टावर है मालूम नहीं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क इधर नहीं आ रहा है।
तो हम लोग अब इधर से चलते हैं क्योंकि शाम होने से पहले घर पर पुगना पड़ेगा। निकला हुआ 6-7 ये अपना एंट्री और एग्जिट गेट दोनों एक ही तरफ से, और ये नाश्ता खास और इधर बोका सोका कटा था इधर छोटा सा फाइट पड़ गया था क्या चीज का मुझे नहीं मालूम खतरा 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 वाओ 1-2-3 गो और इधर है अपने BMW का मॉडल एक और ये अपने यार ये अपना लव है यार ये अपना पहले का बाइक बहुत मिस करता हूँ। आएगा एक दिन आएगा टाइम ये चलाने का टाइम भी एक दिन आएगा अपने से लेंगे टाइम और इधर चेकआउट कीजिए भाई ये तो नहीं चाहिए भाई ये थोड़ा थोड़ा चलेगा उतना नहीं अच्छा लगता है ये तो नहीं चाहिए ये तो चलेगा बसंती तो मेरा फेवरेट है ये भी नहीं चलेगा ये तो मनी नहीं पड़ता है एवेंजर हेटेस्ट ये तो यार ये अपना दोनों ये चलाना पड़ेगा हम लोगों को ये बाकी इधर स्कूटर और इधर क्या लिखा है मोटरसाइकिल गाड़ी तथा पार्किंग। ओके ओके तो फाइनली हम लोगों का इधर का घूमघाम का रसम कार्यक्रम सब बीत सीत सब सक गया है अब इधर से हम लोग चलते हैं सीधा घर के ओर। तो हम लोग इधर जा ही रहे थे लेकिन ये नजारा मिल गया था इसीलिए इधर थोड़ा देर बैठ लिए अब इधर से फाइनल हम लोग निकलते हैं घर के लिए क्योंकि शाम होने वाला है। हम लोग जा ही रहे थे देखिए हम लोगों को क्या मिल गया हिडन गुफा वाला गाची अब इसमें फोटो खींचना पड़ेगा भाई इसमें तो 4-5 लोग आराम से चले होंगे यार एकदम अंदर में सेफ रात में इधर रहिए आप लोग भी आइए घूमने के लिए फुल चौकी और जिसको ऑफ रोडिंग का थोड़ा मोरा शौक होगा वो लोग भी फर्स्ट राइड इधर के लिए कर लो हम लोग तो आकर आज जा रहे हैं हम लोग फाइनली पहुंच गए इधर अपना रूम पर। सब लोग को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और शेयर कर देना और जो नए लोग हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लव यू गाइस मिलते हैं अगली बार।